हाय गाइस, तो चलो आज इस खाली ऑयल कैन से कुछ क्रिएटिव बनाते हैं। सबसे पहले मैं इस पे डिजाइन ड्रॉ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लैक परमानेंट मार्कर। तो तब तक मुझे जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको डेली आर्ट आइडियाज मिलते रहेंगे। एंड इसके फाइनल लुक के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो इस कैन पे मैं डक की डिजाइन बना रही हूँ एंड जो पोर्शन मैंने ड्रॉ किया है उसी को हमें कट करना है। तो ये रेडी हो चुकी है, चलो इसे कट करते हैं। इसे कट करने के लिए मैंने शार्प कटर का यूज किया है एंड बस यही स्टेप करते समय हमें बहुत ही केयरफुल रहना है। मुझे भी ये कट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा था क्योंकि इसका सरफेस बहुत ही स्मूथ है, इसलिए ये बार बार फिसल रहा था। तो हमें कटर को टेढ़ा रखना है, इससे ये इजीली कट हो जाएगा। नाउ ये कट हो चुका है, इसलिए अपर पार्ट को रिमूव कर लेते हैं। अब इसमें डिटेलिंग बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर का। यहाँ पे मैंने व्हाइट, ब्लैक एंड रेड एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। आप ऑयल कलर्स का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास ऑयल कलर्स नहीं थे इसलिए मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है क्योंकि वो वाटरप्रूफ होते हैं। सो हमारा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्लांटर बनकर रेडी हो चुका है। सो आगे से ऑयल कैन को फेंकने के बजाय ऐसे यूज करना एंड ये आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आगे भी ऐसे क्रिएटिव आइडियाज के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।